नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रयागराज हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की सरेआम बम और गोलियों से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। हमले में उमेश पाल और उनके एक गनर की मौत हो गई थी। मृतक गनर संदीप निषाद पुत्र संतराम निषाद उम्र 26 वर्ष आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के बिसईपुर गांव का रहने वाला था। संदीप का शव शनिवार को शाम को प्रयागराज में पोस्टमार्टम के बाद आजमगढ़ पैतृक गांव में देर रात को पहुंच गया था। ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग कर रहे थे। अधिकारियों के भरोसा देने के बाद रविवार को सुबह पुलिस के ट्रक में पार्थिव शरीर रख शव यात्रा निकाली गयी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गाँव व आसपास के लोग मौजूद रहे। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा संदीप तेरा नाम रहेगा और संदीप भैया अमर रहे के नारे लगे। संदीप के शव का अंतिम संस्कार फूलपुर क्षेत्र के दुर्वासा धाम पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मौके पर पहुंचे सांसद व पूर्व विधायकों ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी लिप्त हो उन्हें तत्काल सजा दी जाए व अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज लाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। इनके सम्मान समारोह इनका जो है आज देहांत हुआ है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? किस तरह से अपराधी जो है अपराधियों को सजा देगी आपकी सरकार? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। जो ये आज ये घटना हुई है, हमारे संदीप निषाद जी का जो बलिदान हुआ है, जो हमारे शहीद हुए हैं, इनका बलिदान कहीं से भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मैं इस परिवार के साथ में इनके शोक में शामिल हूँ। मेरी बहुत सारी संवेदनाएं हैं इनके साथ में। मैं समझती हूँ पूरा जिला, पूरा देश, पूरा सारे लोग इनके साथ में आज खड़े हैं। और जो अपराधी हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि उन्होंने किया है जो कर्म, उसकी सजा पूरी की पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको प्राप्त होगी। अच्छा, परिवार जिस तरह से मतलब बेहद ही गरीब लोग बता रहे हैं, बेहद ही गरीब परिवार था, अभी जल्दी ही वो भर्ती हुआ था पुलिस में, तो ऐसे में आपकी सरकार इस परिवार के लिए किस तरह से जो है आर्थिक मदद पहुंचाएगी और क्या इसके परिवार के किसी सदस्य को कोई सरकारी नौकरी भी? निश्चित ही होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह बेहद गरीब परिवार है, उनका जीवन यापन आगे कैसे हो, इसकी चिंता पूरी की पूरी होगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।